हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G10 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैग्नीफिकेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैग्नीफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे सिलेक्ट करना है। अब आपको एक्सेसिबिलिटी के इस पेज में नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन पे सिलेक्ट करना है। अब आपको जो है ना मैग्नीफिकेशन के इस पेज में ऑप्शन मिलेगा मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई विद ट्रिपल टैप, इसे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो आपका ये पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पेज में आपको यूज सर्विस के ठीक सामने जो बटन दे रखा है ना, इसे सिलेक्ट करना है, तो ये सेटिंग आपकी ऑन हो जाएगी। अब इसे यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप इस सेटिंग को ना किसी भी पेज पे सब जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी पेज पे। कैसे यूज़ करना है आपको, अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे ट्रिपल टैप करना है, यानी कि तीन बार लगातार दबाना है इस तरीके से, तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और फ़ोन के चारों ओर एक रेड लाइन बन जाती है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, रेड लाइन बन गई है। अब आपको स्क्रीन को मूव करने के लिए, यानी स्क्रीन को घुमाने के लिए आपको किसी भी हाथ की दो उंगलियों को यूज़ करना है एक साथ, तभी आपकी स्क्रीन मूव करेगी, एक उंगली से काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये मूव इस तरीके से करेगा। अब आपको स्क्रीन को छोटा करना है या बड़ा करना है, इसके लिए कैसे करना है, अगर स्क्रीन को छोटा करना है तो दो उंगलियों को ऐसे रखिए और इस तरीके से पिंच करिए, ठीक है, तो ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी, यानी जूम कम हो जाएगा। अब जूम को बड़ा करना है, यानी कि स्क्रीन को बड़ा करना है, तो दो उंगलियों को ऐसे रखिए और इसे इस तरीके से करिए हाथों उंगलियों को, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है ना इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम जो है ना इस सेटिंग को यूज़ तब करते हैं, ज़्यादा कोई छोटी सी इमेज होती है, छोटा कोई लेटर होता है ना, वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है ना, इस सेटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। इस सेटिंग का यूज़ करने से क्या होता है, वो जो इमेज होती है ना छोटी सी कोई भी होती है, वो फटती नहीं है बड़ी होने पर, ठीक है, मैग्नीफिकेशन से। तो ये सेटिंग इस तरीके से यूज़ करी जा सकती है, ठीक है। अगर आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन को नॉर्मल कंडीशन में करना है फिर से, तो आपको ट्रिपल टैप करना है अपनी स्क्रीन पे, दोबारा से तीन बार लगातार दबाना है, तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है।